तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंघाड़े की खेती किस तरह होती है। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा तालाब, ये इसमें इतना ज़्यादा मेहनत, मैं क्या ही बताऊँ। इसमें सुबह उठ के 3 बजे, रात में 8 बजे तक इसको काटा जाता है, उसके बाद इसको उबाला जाता है। इसकी फार्मिंग दिखाते हैं हम आपको, चलिए बताऊँ कितना इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह इसको लोग निकालते हैं। तो ये आपने सामने तालाब है ये इधर, यहाँ पे आंटी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सब? तो किस तरह इसको बोया जाता है? इसको बोते हैं अपने आप तालाब में होता है? बहुत मेहनत पड़ती है भैया। अच्छा, इसमें मेहनत पड़ती है? हाँ, देखो उधर जलकुंभी वा उतर गया है। अच्छा, जलकुंभी क्या होती है? मतलब घास होता है। अच्छा, घास है। हाँ, सफाई बहुत हुआ है। अच्छा। 5 महीना सफाई करे। अच्छा अच्छा, उसमें कांटे वाटे भी होते हैं क्या? बहुत है, कांटे नहीं। देखो ये क्या चीज है? अच्छा अच्छा, इसमें कीड़ा सांप कुछ होता है क्या? और कुछ सब कुछ होता है इसमें? दवाई में फर्क है। अच्छा, इसमें दवाई भी पड़ती है? दवाई ये देखो, देखो आप लोग, ये इसके अंदर होता है। 20 तालाब में आंटी की एज आप दो दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आंटी इतना शक्ल कर रही हैं। निकाल दिखाइए, कच्चा है क्या अभी? अच्छा, इसमें कच्चा पक्का भी होता है? क्या कर दो, देखो। हाँ हाँ, ये मोगेम्बे की शक्ल में सिंघाड़ा, इसको पता नहीं क्या बोलते, इसको इंग्लिश पता नहीं मुझे, बट ये इसको आंटी ने जैसा निकाल रख लिया है। अच्छा, जहाँ तक इसको सिंघाड़ा को सिंघाड़ा ही बोलते हैं। तो पूरे तालाब में इसको बोया गया है, जिसको बोते हैं आप लोग क्या? हाँ हाँ। तो सर्दियों में आंटी यहाँ पे रहती हैं और इसको बोते हैं, इसको इसकी देखभाल भी करते हैं क्या? सब सब। अच्छा, रात दिन यहीं रहते हैं। रात दिन आंटी यहीं पर रहती है? हाँ, 4-5 महीना हो गए अब तक। अच्छा। धान नहीं लाग रहा तब से हमें जुटी। 5 महीने से जुटी? 5 महीना होगा। अच्छा, 5 महीना से हमें सफाई करत करत कर अब तैयार। कितने रुपए किलो बिकता है ये? खाने में कैसा होता है? मीठा होता है? कैसा होता है? अरे मीठा तो हुआ था। अच्छा अच्छा, मुलाब गल गया है, मीठ। अच्छा, गल गया ये। हाँ। 20 तालाब में आप निकालती हैं जाके? हाँ। पूरा साफ करते हैं? कितनी आपकी एज होगी लगभग, कितने साल की हैं आप? मार तो 50-60 के ऊपर है। 50-60 साल की उम्र में आंटी इतना स्ट्रगल कर रही है, तो क्या ही बताऊँ आंटी। भैया रोजगारी नहीं ना? रोजगारी नहीं है? नहीं। अच्छा, कहाँ घर है आप लोग का? क्या नाम है आपका? नाम इंदिरा। इंदिरा देवी आंटी इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्या बताऊँ। इंदिरा नहीं, देखिए आप लोग छोटी सी नाव बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये 1,000-1,200 रुपए हमारा लागत, 1,000 नाव बनाने में। हाँ, नाव बनाने में। ये इसको बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। गाड़ा जाता है? अच्छा, इसको गाड़ा जाता है? हाँ, या। ये भुइयां में गाड़ा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है? इसमें बहुत मेहनत, खेती से ज्यादा मेहनत। 5 महीने से लगातार इसमें मेहनत कर रही है, 5 महीने उसके बाद जाके तैयार हुआ है। जून से दिसंबर नवंबर तक इसमें मेहनत किया जा रहा है, लेकिन अब ये तैयार हुआ है। बहुत ज्यादा है, बहुत रिस्क इसमें। क्यों? पता नहीं, झगड़ा तोड़ तक की मेरे आवत में से कूद पर। अच्छा अच्छा, रात में न रहे तो रतिया में सब तोड़ लिए हल्के तेरे तेरे पानी में। बताओ आंटी ने इतना मेहनत कैसे, 5 महीना यहाँ पर रुकी, मेहनत कैसे बताओ, क्या ही बताओ। तो आंटी इसमें सुबह से जुटी हुई है इस काम के लिए। तो ये सिंघाड़ा भी आज खा के देखता हूँ। 3 बजे रात के उठा जा, 3 बजे रात को उठा जाता है यहाँ पे? हाँ। किस लिए? उबाल के कांटा छोला जाता है। अच्छा। तब बाजार में देखो। हाँ हाँ हाँ। 3 बजे मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होता है। 3 बजे रात में